नंदिया तीर की पटवा भाजी पट 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 करती री, आई ही बरतिया बाबू मट 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 करती री। ये है पटवा भाजी। मम्मी को पटवा भाजी बनाते बनाते एक गाना याद आ गया जो छत्तीसगढ़ी में है, जिसे उन्होंने आपको ब्लॉग में सुनाया। पटवा भाजी की पत्तियों को तोड़ लिए हैं और उसे पानी से अच्छी तरीके से धो लिए हैं। अब यह धुलकर तैयार है। चना की दाल जिसे हमने भिगा कर रखा है, अब हम कढ़ाई में पानी ले लिए हैं, उसमें धुली हुई भाजी को डालेंगे और इसे उबालेंगे। अब इसे हम उबालने के लिए गैस में चढ़ा देंगे। जब भाजी का कलर चेंज हो जाए तब तक कि हमें इसे उबालना है। पटवा भाजी में कसैलापन होता है, उसे ही दूर करने के लिए या कम करने के लिए इसे उबाला जाता है और अच्छे तरीके से धोया जाता है। पटवा भाजी छत्तीसगढ़ में खाई जाने वाली भाजियों में से एक है जो बहुत स्वादिष्ट लगती है। देखिए भाजी का कलर चेंज हो गया है, अब इसे छान लेंगे। इसे छान रहे हैं। अब इसमें सादा पानी डालकर और इसे धोएंगे। इसे 2 से 3 बार अच्छे तरीके से धोना है ताकि इसका कसैलापन दूर हो जाए। देखिए ऐसे ही धोना है इसे। आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लहसुन और मिर्च भाजी को अच्छे तरीके से धो लिए हैं। अब इसे पानी को अच्छे से इसका निथार लेंगे और इसे रखेंगे। अब कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे, इसमें लहसुन डालेंगे, अब इसमें सूखी लाल मिर्च। मिर्च को ऐसे ही तोड़ के डालें तो उसके बीजों का जो स्वाद होता है वह भाजी में आएगा, तो इससे टेस्ट बढ़ता है। अब चना दाल जो हमने भिगा कर रखा था उसे डाला है। अब इसे भूनेंगे। चना दाल हमने 1 घंटा पहले ही भिगोया था। अब इसमें भाजी धुली हुई उसे डाल देंगे। अब इसे पकाएंगे हम अच्छे से। अब इसमें नमक डालेंगे। मिर्ची पाउडर डालेंगे।
जीरा पाउडर, अब इसमें हम मठा डालेंगे, मही या छाछ, अगर ये नहीं है आपके पास तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं। इसे डालने से इसका कसैलापन कम हो जाता है और इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसे पकाएंगे जब तक कि भाजी पूरी पककर थोड़ी सी हो जाएगी। देखिए भाजी को सूखने तक पकाएंगे और पकने के बाद यह खाने के लिए तैयार है। अब हमारी भाजी पककर तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।